अभी कल तपल यार अतुल जी, पहली तो ये बात है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी जितनी जल्दी हो सके अपनी टीम को बदले, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंजेक्शन नहीं है, बेड नहीं है, सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जनता के चालान कट रहे हैं। अगर आप सुबह सब्जी लेने जा रहे हैं तो आपको पकड़ लिया जा रहा है, आपका चालान काट दिया जा रहा है। जनता वैसे ही परेशान है, उसके पास वैसे ही पैसा नहीं है, इसलिए चालान की ये जो गणित है अपना राजस्व बढ़ाने की, इसको कम करें। जनता वैसे ही बहुत परेशान है, हर घर में कोरोना पॉजिटिव है, हर चौथे पांचवें घर में मौतें हो रही है देश के अंदर, इसे चालान ना काटा जाए। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि जो कोरोना से जुड़ी चीजें हैं उस पर जो जीएसटी लग रही है वो भी जनता की जेब पे लग रही है। आरटीपीसीआर जांच पर जीएसटी आप लगा रहे हैं, आपदा में अवसर है सर, आपदा में अवसर है, सैनिटाइजर में जीएसटी लगा रहे हैं। ये जो आप राजस्व वसूली कर रहे हैं उस जनता के साथ जिसका कारोबार खत्म हो गया है, जो घर बैठ गया है, जिस मजदूर को कुछ नहीं मिल रहा है, वो चालान भर रहा है, वो जीएसटी भरेगा। इसलिए ये चीजें केंद्र से लेकर सभी राज्यों में जीएसटी, कोरोना की जितनी भी दवाई है उसमें बंद हो, चालान तुरंत बंद हो। अरे सर, चालान बंद हो जाएगा तो 13,500 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है उसका पैसा कहाँ से पाओगे? सरकार के पास राजस्व कहाँ से आएगा? अरे खून तो आम लोगों का ही चूसा जाएगा ना, आम लोग मर रहा है, आम लोगों की लाशें गंगा में बह रही हैं, कब्रिस्तान शमशान में जगह रही हैं, फुटपाथ पे लाशें जल रही हैं, और जिंदा अगर हो, अगर तुम जिंदा हो तो टैक्स दो। ये है सरकार भैया, मरने के बाद भी शांति नहीं है। वो ऐड आता ना जीवन बीमा का, कि जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी, सरकार वही कह रही है, साथ रहेंगे तब भी टैक्स लेंगे और मरोगे तब भी, हर जगह पैसा होगा ही है, पैसा दे पैसा दे, जीना है तो। गजब से सिस्टम है हमारा, ये क्या कहा जाए।